नैनीताल हाईकोर्ट ने भीमताल झील में अवैध रूप से मछलियां मारने के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए सुनवाई की। बता दें कि जिला पंचायत भीमताल, कुमायूं कमिश्नर, जिला अधिकारी, उप निदेशक मत्स्य विभाग भीमताल, एसएसपी और अधीक्षण अभियंता सिंचाई विभाग को नोटिस जारी किया है। मामले में हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए 2 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा। दरअसल ब्लॉक रोड भीमताल मल्लीताल निवासी संजीव पांडे ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है कि भीमताल झील में आखेट करने के लिए मत्स्य विभाग द्वारा 30 रुपए रोज पर आखेट करने का लाइसेंस दिया गया है। साथ ही कहा कि उनके द्वारा बड़ी मछलियों के साथ साथ छोटी और अन्य जलीय जीवों को मारा जा रहा है। देखिए, भीमताल में मत्स्य विभाग द्वारा भीमताल झील में मछली मारने का एक लाइसेंस दिया जाता है। उसी लाइसेंस की आड़ पे याचिकाकर्ता के अनुसार काफी ज्यादा मछलियों का अवैध शिकार हो रहा है और उस अवैध शिकार की वजह से भीमताल लेक की इकोलॉजी को खतरा पहुंच रहा है। वहां का पर्यटक को भी उससे आने वाले समय पे नुकसान पड़ेगा। उस लाइसेंस को बंद कराने हेतु याचिकाकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में एक पीआईएल डाली थी और उस पीआईएल पे सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने संबंधित विभागों को नोटिस जारी किए हैं। नेक्स्ट डेट और संबंधित विभागों को 2 हफ्ते के अंदर उसका जवाब भी देना है, फिर उसके बाद डेट। पहले भी अवैध रूप से हो रहे शिकार पर रोक लगाने के लिए जिला अधिकारी कमिश्नर कुमायूं, जिला पंचायत भीमताल, एसएसपी और उप निदेशक मत्स्य विभाग भीमताल को कई बार ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखना होगा कि मामले में अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए नैनीताल से भूपेंद्र रावत की रिपोर्ट।